Hi students, welcome to the channel. Coming back to the topic that is types of switches. So, in the previous video, we have discussed major three types of switches. Now, we will start with the next point that is POE switch. POE switches, okay. So, POE stands for power over Ethernet. Power over Ethernet.

gigabit ethernet okay so poe technology combine data and power poe is a combination of data and power data and power transmission data and power transmission over the same cable so that devices connected to it can receive both electricity as well as data over the same line okay when we connect switches with multiple devices with multiple devices it uses a single cable it uses a single cable so that both electricity as well as data transfer over the same line okay so poe switches often gre offer greater flexibility okay they offer greater flexibility ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड सिंप्लीफाइज एंड सिंप्लीफाइज द केबलिंग कनेक्शंस सिंप्लीफाइज द केबलिंग कनेक्शंस ओके सो यहाँ पे केबलिंग कनेक्शंस जैसे अब हमें मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करना है लार्ज नंबर ऑफ नोड्स है हमारे पास एंड इफ वी वांट टू कनेक्ट ऑल दी सिस्टम्स ओके सो वी हैव टू यूज अ नंबर ऑफ केबल्स हेयर राइट सो अगर हम लोग पी ओ ई स्विचेज यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है एक सेंट्रल केबल यूज करता है एंड उसके साथ जितनी भी डिवाइसेज हैं उनको कनेक्ट कर लेगा ठीक है इससे क्या हो जाएगा इतनी ज़्यादा केबल्स भी यूज़ नहीं होंगी एंड ये जो सेंट्रल केबल है इसी केबल के थ्रू दे कैन प्रोवाइड डेटा एंड पावर और वी कैन से दैट दे कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज डेटा ओके दैट्स वाई पी ओ आई स्विचेज आर मोस्टली यूज ओके दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ स्विचेस राइट सो द नेक्स्ट टाइप वी हैव इज नेक्स्ट टाइप इज एच स्विच एच स्विचेस एंड ऑल्सो नोन एज एक्सेस स्विच ओके एंड इनकेस ऑफ पी ओ स्विचेस इट इज ऑल्सो नोन एज इंजेक्टर्स ओके दीज आर ऑल्सो नोन एज इंजेक्टर्स ओके इंजेक्टर्स यहाँ पे क्यों बोलते हैं क्योंकि ये जो सेंट्रल केबल है ये जो कॉमन वायर यहाँ पे नेटवर्क में यूज़ होती है इसी के थ्रू इसी के थ्रू क्या होता है इंजेक्ट कर देते हैं पावर एंड डेटा एंड जिस भी सिस्टम पे जाना है ठीक है यहाँ पे इंजेक्ट कर देंगे डेटा को एंड मान लीजिए डेटा जो है वो थर्ड सिस्टम पे जाना था तो वो इसी केबल के थ्रू जाएगा एंड यहाँ से थर्ड सिस्टम तक पहुँच जाएगा ओके सो दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड इंजेक्टर सिस्टम्स और इंजेक्टर स्विचेज So, in case of edge or access switches, as its name implies, it becomes very easier to access the data or any other file if we are using this type of switch. Okay. So, these switches manage traffic, they are used to manage traffic. इधर कमिंग इन टू और एग्जिटिंग द नेटवर्क ओके सो नेटवर्क में अगर कोई फाइल एंटर हो रही है या कोई पैकेट यहाँ से बाहर जा रहा है सो so, वहाँ पे उस एंड पे काम करता है एच या फिर एक्सेस स्विच हम लोग जिसको बोल सकते हैं ओके सो डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स एंड एक्सेस पॉइंट्स कनेक्शंस टू एज स्विचेज ओके सो एज का मतलब ही होता है बिल्कुल एंड पे ठीक है ये पूरा यहाँ पर ट्रांसमिशन मीडिया है मल्टीपल सिस्टम्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस ओके सो एच पे यहाँ से पैकेट अगर एंटर हो रहा है एंड यहाँ से पैकेट अगर बाहर को रिलीज हो रहा है नेटवर्क से बाहर ठीक है दिस इज़ वन नेटवर्क एंड सपोज दिस इज़ अनदर नेटवर्क ओके सो यहाँ से पैकेट एंटर हो रहा है यहाँ से पैकेट एग्जिट हो रहा है सो इस एच पे जो स्विचेज यूज होंगे दैट इज़ कॉल्ड एच और एक्सेस स्विचेज राइट सो नेक्स्ट पॉइंट इज कोर स्विचेज कोर switches okay so core switches these network switches from the backbone these network switches form the backbone of the network okay form backbone of the network okay so core switches cannot either aggregation or edge switches these are not aggregation or Edge switches. Okay, this is the edge switches, and we will discuss aggregation switches in the next video. Okay, so it cannot use both of these switches. So, user or device edge networks of data center networks and enterprise LAN to the routers. Okay, you have to remember this statement that core switches always work with routers, they do not follow the rules of edge switches and aggregation switches. Okay so this is about the core switch in case of computer networking we are we don't use this type of switches more okay so we will discuss another types of switches in the next video thank you